आज देश में लोकसभा की 93 सीटों पर वोट डाले गए हैं और इसी के साथ गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पुरुषोत्तम रूपाला समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। लोकतंत्र के महापर्व का तीसरा चरण आया तो लोग बड़ी संख्या में वोट डालने मतदान केंद्रों के लिए निकल पड़े। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की कतारें देखने को मिली। ये तस्वीरें लोकतंत्र के इसी उत्सव को बयां कर रही हैं। चाहे बुजुर्ग हों या दिव्यांग, महिलाएं हों या फिर पुरुष, हर किसी ने अपने वोट की ताकत को पहचाना और मताधिकार का प्रयोग किया। आज 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें गुजरात की 25 सीटें भी शामिल हैं। तीसरे चरण का रण समाप्त हुआ और कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। गांधीनगर से अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। इसी सीट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट किया। अमित शाह के साथ पीएम मोदी जब वोट करने पहुंचे तो नजारा कुछ ऐसा था। केंद्रीय गृह मंत्री और गांधीनगर सीट से बीजेपी कैंडिडेट अमित शाह आज सुबह सबसे पहले परिवार के साथ मंदिर पहुंचे, यहां पूजा अर्चना की, फिर वोट डालने पहुंचे। और जो बूथ है वहां पे जाके जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है और क्या मतदान हो रहा है, क्या जो उन्होंने आंकड़ा रखा था वो आंकड़े तक जो है वो पहुंचा है या नहीं, मतदान उस तरीके का हो नहीं रहा है या उससे ज्यादा है, उस बारे में वो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो उम्मीदवार होने के नाते सभी बूथ केंद्रों पर तो नहीं पहुंच सकते, पर जो कुछ बूथ केंद्र है वहां पे जाके वो पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो है कहीं स्लो ना हो जाए और जो टारगेट रखा है, क्योंकि गांधीनगर लोकसभा में वो पिछली बार 5.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार वो टारगेट बढ़ा के कार्यकर्ताओं के लिए 10 लाख किया गया था, पर उम्मीद है कि 7 लाख से ऊपर की लीड के साथ वो जीते, इस तरह की पूरी रणनीति की गई थी। तीसरे चरण का रण खासा दिलचस्प है क्योंकि गुजरात में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। खासतौर पर राजकोट सीट पर सभी की नजरें टिकी हैं क्योंकि यहां क्षत्रिय समाज का विरोध झेल रहे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का सियासी भविष्य दांव पर लगा है। राजकोट में पूर्व सीएम विजय रूपाणी वोट डालने पहुंचे तो सभी सीटों पर बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। मैं मान रहा हूँ कि इस लोकशाही का एक बड़ा पर्व है और लोकतंत्र में मतदान महत्वपूर्ण है और सुबह से ही गुजरात में सभी मतदान केंद्र पर लाइन लगी हुई है और भरे उत्साह के साथ वोटिंग हो रहा है। गुजरात में 2014 में भी सभी सीट हम जीते थे, 19 में भी जीते हैं और हम लोग इस बार भी पूरी सीट गुजरात की भारे बहुमत के साथ हम जीतेंगे। दिग्गज नेताओं के अलावा कई जाने माने चेहरों जैसे उद्योगपति गौतम अडानी और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बहन और पिता ने भी इस तीसरे चरण में वोट डाला है और लोगों से भी वोट करने की अपील की। आह्वान करता हूँ कि आज आपका जो ये मत है और वो बाहर आके देवे और फिर उसमें लोकशाही की जीत। अगले 5 साल में आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या इंडिया कहाँ से कहाँ होना चाहिए सर? नहीं, इंडिया तो आगे बढ़ ही रहा है और आगे बढ़ता भी रहेगा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वोट डालना लोकशाही में आपका अधिकार है और आपके मत की गरिमा बहुत है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मेरा भविष्य अच्छा हो तो आपको पहले वोट डालना पड़ेगा, उसके बाद ही परिवर्तन हो सकता है। तो प्लीज वोट करें, किसी को वोट करना है किसको नहीं करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपका वोट बहुत जरूरी है समाज के परिवर्तन के लिए, तो वोट आप जरूर करें। लोकसभा का चुनावी समर जोरदार है। तीसरे चरण के बाद देश की 282 सीटों पर मतदान हो चुका है, मतलब यह है कि जितनी सीटें बहुमत के लिए चाहिए उन पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब ये फैसला क्या है ये जानने के लिए 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम सुबह सुबह अहमदाबाद पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया। वोटिंग के बाद पीएम मोदी लोगों से मिलने के लिए पैदल ही निकल पड़े थे। इस दौरान उन्होंने हर किसी से मिलने की कोशिश की, सबका अभिवादन भी स्वीकार किया और खासतौर से बच्चों पर तो उनका जमकर प्यार बरसा।
अंदाज पुराना लेकिन शैली बिल्कुल अलग। प्रधानमंत्री मोदी की इन्हीं अदाओं की जनता कायल है। दरअसल आज सुबह सुबह पीएम मोदी मतदान करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे और वोट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं जनता से जुड़ने का तरीका। शायद यही वजह है कि वो देश ही नहीं दुनिया में भी काफी पॉपुलर हैं। जनता उनको अपने बीच पाकर खुश भी होती है और सम्मान भी करती है। वोट देने के बाद जब पीएम मोदी निकले तो उनके स्वागत के लिए लोग सड़क के दोनों ओर खड़े थे। अहमदाबाद से उम्मीदवार और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ थे। पीएम ने सभी से मतदान करने की अपील भी की कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महत्व है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। जो भी जितनी आहुति दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मतदान करने के बाद पीएम जब सड़क पर पैदल निकले तो उन्होंने किसी को भी निराश नहीं किया। हर किसी से मिलने की कोशिश की, किसी से हाथ मिलाया तो किसी ने उनकी तस्वीर पर उनका ऑटोग्राफ मांगा तो उनकी इच्छा पूरी की। बच्चों से तो पीएम का लगाव जग जाहिर है। एक बच्ची के हाथ में लगी मेहंदी को भी पीएम ने गौर से देखा और उसके हाथ पर भी अपना ऑटोग्राफ दिया। पीएम मोदी से मिलकर बच्चे भी काफी खुश दिखे। जब से ये मैंने उनका पोर्ट्रेट बनाया तब से मैं आज के दिन का इंतजार कर रही थी कब वो आए, कब मैं उनको ये दिखा सकूं। पीएम साहब ने बोला, पीएम मैंने कहा कि आपको ड्राइंग कैसी करी दिखी, ड्राइंग कैसी बनाई मैंने, तो उन्होंने कहा अच्छी बनाई। उन्होंने मुझे सामने से बताया कि और देखा चित्र ड्राइंग देखा और कहा कि पेन दो और उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। जनता के बीच पीएम ने एक छोटे बच्चे को देखा तो ऐसा लगा कि उनका प्यार उस बच्चे के लिए उमड़ पड़ा। पीएम ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसे खिलाया और लाड भी किया। पीएम यूं ही करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल ही चलते रहे और उन्होंने जनता को लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने की शुभकामनाएं भी दी। पूरे देश में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, ऐसे में पीएम मोदी और विपक्ष जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे विजयी बनाती है। गुजरात में सभी ने अपने अपने अंदाज में लोकतंत्र के उत्सव में योगदान दिया है। दिग्गज नेताओं से लेकर आम लोगों में भी वोटिंग को लेकर खूब उत्साह नजर आया। कहीं दूल्हा बग्घी पर सवार होकर डालने के लिए पहुंचा वोट तो कोई अपने शरीर पर तिरंगा बनवाकर मतदान केंद्र पर नजर आया। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी ने भी ढोल नगाड़ों के साथ वोट डालने के लिए वो निकले थे। चुनावी उत्सव से और भी कई खास तस्वीरें सामने आई हैं। आपको दिखाते हैं गुजरात में लोकतंत्र के उत्सव की कुछ अलग ही तस्वीरें। लोकतंत्र के भाग्य विधाता वोटर्स के जोश और उत्साह के साथ चुनावी महासमर का तीसरा चरण संपन्न हुआ। गुजरात की 25 सीटों पर वोटिंग हुई और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अलग अलग रंग देखने को मिले। शहर दर शहर हर उम्र के वोटर्स ने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया। वोटिंग को लेकर जोश इतना था कि महीसागर जिले में दूल्हे राजा बग्घी पर सवार होकर मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे। पहले मतदान करके अपना फर्ज निभाया, उसके बाद शादी के मंडप में पहुंचे। दूल्हे राजा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। अहमदाबाद में शरीर पर तिरंगे की छटा और हाथों में तिरंगा थामे ये नौजवान अपने सीने पर वोट प्राउड का संदेश लिखकर पहुंचा था और इस तरह अतरंगी वेश बनाकर वोट करने की अपील करता नजर आया। ये तस्वीरें नवसारी लोकसभा क्षेत्र की है। यहाँ गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर संघ भी वोट डालने पहुंचे तो वाकई माहौल उत्सव वाला बन गया। हर संघ भी ढोल नगाड़े के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और खुद भी थाली बजाते हुए नजर आए। पूरे परिवार के साथ वोट डालने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी वार भी किए। आज
मेरी गुजरात की जनता से विनती है, जिस प्रकार से पिछले कई सालों में मोदी जी और गुजरात के लोगों ने साथ में मिलकर रात दिन मेहनत करके, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कई यातनाएं सह के हम सब ने गुजरात टीम गुजरात के तौर पे गुजरात के नागरिक और तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पे गुजरात के विकास के लिए जिस प्रकार से रात दिन मेहनत की, उसका आज नतीजा है कि देश में सबसे ज्यादा रोजगारी देने वाला राज्य वो गुजरात। मौका खास था लिहाजा इस बार चुनाव आयोग की तैयारियां भी खास नजर आई। भरूच में लोगों ने शिपिंग कंटेनर वाले बूथ में मतदान किया। ये देश का अकेला ऐसा पोलिंग बूथ है जिसे शिपिंग कंटेनर में बनाया गया है। भरूच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का आज वोटिंग एज विद गुजरात शुरू है। सुबह से दो घंटे में पहले 10.78% वोटिंग हो चुका है। जिस तरह से व्यवस्था की गई है, पीपल आर अप्रिशिएटिंग, दे आर कमिंग इन नंबर्स। एंड मैं अपील करता हूँ भरूच जिले के सब वोटर्स को कि अपना मतदान अपना एक ड्यूटी है और इस ड्यूटी को निभाए, हम आए और मतदान करें। वैसे भरूच ही नहीं बल्कि गुजरात के गिर सोमनाथ में भी एक ऐसा पोलिंग बूथ है जहाँ हमेशा 100% मतदान होता है और आज भी वही हुआ। दरअसल गिर सोमनाथ जिले के ऊना विधानसभा क्षेत्र का ये मतदान केंद्र अपने आप में अनोखा है। अनोखा इसलिए क्योंकि इस बूथ को सिर्फ एक वोटर के लिए तैयार किया गया है। दरअसल इस पूरे क्षेत्र में घना जंगल है। ये पोलिंग बूथ क्षेत्र में मौजूद मानेश मंदिर के महंत हरिदास बापू के लिए हर चुनाव में यहाँ बनाया जाता है। चुनाव आयोग एक वोट का महत्व समझाने के लिए यहाँ सिर्फ एक वोटर के लिए पूरा पोलिंग बूथ स्थापित करता है। महिसागर से वीरेन जोशी, भरूच से गौतम डोडिया और नवसारी से संजय सिंह चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत दो सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पार्टी को दोनों ही सीटों पर जीत की उम्मीद भी है। आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष इसुदान गढ़वी और उनसे खास बातचीत किया आज तक संवाददाता अतुल तिवारी ने। आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। इसुदान जी, तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है, गुजरात की बात करें तो सूरत लोकसभा को छोड़ के बाकी की 25 सीट पर आज मतदान हो रहा है, क्या उम्मीद है मतदाताओं से? बिल्कुल, गुजरात में आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ लोगों में एक बहुत रोष है। आपने देखा होगा कि नीट का पेपर भी लीक हुआ तो बच्चे ये बातें कर रहे हैं। अभी जो नौजवान है, जो अभी 18 साल के हुए हैं, लाखों बच्चे हैं, वो भी यही सोच रहे हैं कि पहले गुजरात के पेपर लीक होते थे वही गुजरात का भाजपा मॉडल अब देश भर में लागू होने लगा है। सवाल ये कि किसान निकल रहे हैं बाहर अपने दाम के लिए, महंगाई है, बेरोजगारी है और लोगों बहुत उम्मीद है क्योंकि ये चुनाव ऐसा है जो लोकतंत्र का बचाने वाला चुनाव है। तो इंडिया अलायंस पहली बार गुजरात में लड़ रहा है 25 सीट पर। एक सीट तो भाजपा की बदौलत, अभी सूरतवासियों का तो वोटिंग का अधिकार नहीं है, लेकिन 25 सीटों पे अभी लोग बाहर निकल रहे हैं। लोग बहुत उत्साह से एक नई उम्मीद के साथ वोट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छा, जिस प्रकार से वोटिंग अभी फ़िलहाल देखा जा रहा है, लोगों में काफ़ी उत्साह है, बड़ी लंबी लाइन देखने को मिल रही है बूथ पर, क्या उम्मीद है? अगर वोट परसेंटेज ज़्यादा होता है तब इंडिया अलायंस को फ़ायदा है या वोट परसेंटेज कम होने पे इंडिया अलायंस को फ़ायदा है? क्योंकि दो चरणों में हमने देखा है वोट परसेंटेज कम है लेकिन हर कोई अपने हिसाब से दावा कर रहा है कि फ़ायदा हमें हो रहा है। देखो, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होना ये वाजबी है कि इंडिया अलायंस को फ़ायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की जो वोटिंग, कोर वोटिंग है, वो उनका संगठन वोट डलना आने की कोशिश कर रहा है तो उनकी फिक्स वोटिंग होती रहती है। लेकिन जब लोग बाहर निकलने लगते हैं, जब लोग ये चाहते हैं कि यार हमें अच्छाई के लिए वोट करना है, हमें अपनी अस्मिता के लिए वोट करना है, जय भवानी के लिए वोट करना है, हमें जय किसान जय जवान के लिए वोट करना है, हमें मध्यम वर्ग है जॉब के लिए वोट करना है, तब वो बाहर निकलते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो स्वाभाविक तौर पर शासन के विरोध में वोटिंग होती है। बेसिकली दो तरह का होता है, जब वोट कम होते हैं तो ये भी होता है कि शासन के खिलाफ बहुत रोष होता है तब भी वोटिंग होता है, लेकिन
मैं विपक्ष में होने के बावजूद भी स्वीकार रहा हूँ कि भाजपा के संगठन जो है वो खासा मजबूत गुजरात में सालों से है, उसकी वजह से है। तो बीते दो लोकसभा चुनाव की बात करें तो गुजरात में 26 में से 26 बैठक भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी, ऐसे में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं अपने अपने तमाम पक्ष दावे कर रहे हैं, क्या परिणाम आएगा उसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा, लेकिन गुजरात की बात करें तो बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो बाहर आ रहे हैं मतदान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल इस बार पार्टी से नाराजगी को लेकर खूब चर्चाओं में रही हैं। उन्होंने इस बार भरूच सीट पर प्रचार तक नहीं किया। आज वोट डालने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ मुमताज बहन है, उनका पूछेंगे कि ये अहमद पटेल की बैठक है और यहाँ पे इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट खड़ा है, क्या कहेंगे आप, कैसा माहौल है और क्या रहेगा परिणाम? जी चेतर भाई, बड़ी मजबूती से उन्होंने प्रचार किया और काफ़ी लोगों में एक नई उम्मीद जागी है कि बदलाव और परिवर्तन आएगा, तो हम उम्मीद रख रहे हैं। पर मैं कहना चाहूँगी वोटिंग परसेंटेज अभी थोड़ी कम दिख रही है, तो लोग शाम तक उम्मीद रख रहे हैं कि जब थोड़ा सा गर्मी कम होगी तो बाहर निकलेंगे और वोट करेंगे। जी बिल्कुल, चैतर भाई ने मजबूती से वोटिंग किया, आप प्रचार किया आपका कहना है, लेकिन उस मजबूती में आपका साथ और आपका हाथ कहीं दिख नहीं रहा था, अगर आप होते तो और ज़्यादा मजबूती मिलती चैतर भाई। मेरा समर्थन मेरा साथ रहा है और मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल यहाँ से पूरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन रहा है चेतर भाई के साथ, इंडिया अलायंस के साथ, और मैं मसरूफ थी बाकी जगहों में प्रचार करने में, तो यहाँ पे कोई प्रोग्राम सेट नहीं हो पाया। इस बात को लेके पीएम मोदी ने भी एक तंज कसा था कि जो कांग्रेस का खास परिवार है वही इस बार कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा, क्या कहेगा? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि दिल्ली में भी जो नई दिल्ली की सीट है और यहाँ भरूच में भी, वहाँ पे अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी लड़ती है, कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है। पर ये अलायंस कंपल्शंस होते हैं और अलायंस कंपल्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, इट्स इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए इतनी सारे जो पार्टियाँ साथ में आई हैं, तो गठबंधन होती है और हम जो जिस मकसद से चले हैं उसमें हम उम्मीद रख रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो भारी पड़ेगी एनडीए की सरकार के ऊपर। मुमताज बहन, पहली बार ऐसा हुआ है कि ईवीएम मशीन है उस पर पंजे का निशान नहीं है, और बात यह भी थी कि अगर कुछ इंडिया गठबंधन का यहाँ पर अलायंस नहीं होता तो चैतर वसावा के नाम की जगह मुमताज पटेल का नाम होता, वो दोनों यहाँ ईवीएम से गायब है, क्या कहेगी? जी कांग्रेस का सिंबल नहीं है और बहुत इस बात का दुख रहा है, क्योंकि जब से होश संभाले और वोट करना सीखा है तो कांग्रेस पार्टी के लिए ही हमने वोट किया है। पर जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया अलायंस साथ आई है एक बड़े मकसद को लेकर, तो हम उसका जो है आदर करते हैं। रोड शो में उमड़ी भीड़ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। इसे शेयर करने वालों की माने तो ये तस्वीर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ गुजरात में सुनीता केजरीवाल के रोड शो में जुटी हुई भीड़ की है। लेकिन वायरल वीडियो का जब सच चेक किया गया, यानी जब फैक्ट चेक किया गया, तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, इसे समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने 2 मई को गुजरात में आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने ये रोड शो भरूच और भावनगर लोकसभा सीट के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में किए। इन दोनों ही सीटों पर आम आदमी पार्टी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की तरफ से उम्मीदवार उतारे हैं। इस बीच सुनीता के रोड शो में उमड़ी भीड़ की एक कथित तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई है। इसे शेयर करने वालों की माने तो तस्वीर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ गुजरात में सुनीता केजरीवाल के रोड शो में जुटी भीड़ की है। एक एक्स यूजर ने वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी की साजिशन गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरी गुजरात की जनता, सुनीता केजरीवाल जी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, जनता ने मन बना लिया है इस बार जेल का जवाब वोट से। वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर यह हमें कई न्यूज रिपोर्ट्स में मिली, जिसे वहां चीन के गुआगंजो प्रांत का बताया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीर तब ली गई थी जब शहर में ओलंपिक टॉर्च के स्वागत में भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। ये तस्वीर हमें फोटो शेयरिंग साइट पर भी मिली, जिसे वहां 13 मई 2008 को शेयर किया गया था। वहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये तस्वीर स्टीव जोवेटसन ने ली थी। साथ ही बताया गया कि ये तस्वीर गुआ गंजो में तब ली गई थी जब वहां से ओलंपिक टॉर्च गुजर रही थी। इस भीड़ में शामिल लोग ओलंपिक टॉर्च के स्वागत और एक दिन पहले चीन के दूसरे प्रांत सिचुआन में भूकंप में मारे गए हजारों लोगों के प्रति शोक संवेदना जताने के लिए जुटे थे। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने सुनीता केजरीवाल की हालिया गुजरात रैली के वीडियो की तुलना वायरल तस्वीर से की, जिसमें दोनों में फर्क साफ नजर आया। साफ है, चीन के गुआगंजो प्रांत में उमड़ी भीड़ की एक पुरानी तस्वीर को गुजरात में सुनीता केजरीवाल की हालिया रैली का बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है। विकास बदोरिया के साथ टीम फैक्ट चेक। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।